अपनी बेटी का खा रहा है, जो बेटी कमा रही है तू उनका खा रहा है, जो चीज़ें हो रही है, मतलब मुझे नहीं पता किसी की फैमिली इतनी इतनी डाउन कैसे जा सकती है। लेकिन मेरे फादर की तबीयत खराब रहती थी, वो ऑक्सीजन पे रहते थे, हम उनको सामने से देखते थे, मम्मी मैं मेरा भाई, हम चारों बैठ के रोते थे कि अब हमें क्या करना है। और बाल छोटे करवाने के बाद ये था कि बस अब ये बिल्कुल टोटली हमारे हाथ से निकल चुके। लोग कहते हैं ना कि हमें ज्ञान देने के लिए बहुत से लोग आगे आते हैं, नहीं तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, तुम छोटे बाल क्यों रखी हो, एक अच्छी फैमिली से हो, अच्छी शादी करनी है। ज्ञान देने के लिए हजारों लोग आपके सामने आते हैं, हजारों लोग पीछे से, आगे से, आजू बाजू से, सब लोग बोलने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब इंसान को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जब इंसान को पैसों की नीड होती है या किसी भी तरह की नीड होती है, तब कोई इंसान सामने नहीं आता है। फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं खोया, वो मेरी जिंदगी का आखिरी नुकसान था। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर कोई फेमस होना चाहता है। कोई यहां दो बीवियां रखकर फेमस हो जाता है, तो कोई अपना जेंडर ट्रांसफॉर्म करके फेमस होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इन्फ्लुएंसर से मिलाने वाले हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित है। जब भी लोग इनके वीडियो देखते हैं तो उनमें ये कन्फ्यूजन होता है कि ये लड़की है या फिर लड़का। आखिर रतन चौहान लड़की से लड़का क्यों बन गए? तो आज के इस वीडियो में हम रतन चौहान की जिंदगी के वो सारे अनसुने राज जानेंगे जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ कोई किसी का नहीं, तुझे अपने आप संभलना होगा। कि यहाँ कोई किसी का नहीं, तुझे अपने आप संभलना होगा। अगर खुद को कामयाब देखना है तो इस भीड़ से निकलना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इन्फ्लुएंसर रतन चौहान के बारे में। रतन चौहान का जन्म 31 अगस्त 1998 को राजस्थान के मांडवा में एक राजपूत फैमिली में हुआ। इनकी फैमिली में इनकी मम्मी और एक छोटा भाई है। कोरोना पेंडेमिक के दौरान इनके फादर की डेथ हो चुकी है। रतन आज भी अपने फादर को बहुत मिस करते हैं और उनको डेडिकेट करते हुए वीडियो बनाते हैं। चलते चलते खंदे पे बिठा लो पापा, अंधेरे से लगता सीने से लगा लो ना पापा, पाल पोछ कर बड़ा किया, अब जुदा तो मत करो ना पापा, अब डोली में बिठा दिया, आंसू तो मत बहाओ ना पापा। रतन ने अपनी स्कूलिंग अपने गांव मांडवा से ही कंप्लीट की थी और इन्होंने अलंकार पीजी कॉलेज जयपुर से बीकॉम में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। रतन पढ़ाई में तो अच्छी थी ही, लेकिन ये स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छी थी और यही वजह थी कि इन्होंने कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन कर रखी थी, जो कि एक कारण बना इनके ट्रांसफॉर्मेशन का। इनके टिकटॉक पे वायरल होने की कहानी जाने तो इन्होंने 2018 से टिकटॉक को ज्वाइन कर लिया था और इनका मोटिव टिकटॉक पे वायरल होना या फेमस होना नहीं था। इन्होंने बस इंजॉयमेंट के लिए टिकटॉक को डाउनलोड किया और उस पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसके बारे में रतन चौहान ने अपने परिवार में से किसी को नहीं बताया था। इनका पहला वीडियो डांस वीडियो था, जिस पे रतन चौहान को काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसके बाद ये घर वालों से छुप कर डांसिंग और लिपसिंग वीडियो बनाती रही, क्योंकि इनके घर वाले काफी स्ट्रिक्ट थे, खास करके इनके फादर। काफी टाइम तक तो रतन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब रतन के फॉलोवर्स तेजी से बढ़ने लगे और लोग इनसे मिलने आने लगे, तो इनके फादर को भी पता चल गया कि रतन क्या काम कर रही है। लेकिन फिर लोगों के समझाने पर और लोगों के कहने पर इनके पापा भी मान गए और यहाँ तक कि वो उनको सपोर्ट भी करने लग गए कि मेरी बेटी आगे तक जाए। और जब टिकटॉक बैन हुआ तो रतन चौहान के टिकटॉक अकाउंट पे 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स थे और ये उस टाइम राजस्थान की पहली ऐसी स्टार थी जिनके टिकटॉक अकाउंट पे इतने ज्यादा फॉलोवर्स थे। दोस्तों, बात करें रतन चौहान को इस ट्रांसफॉर्मेशन कराने की क्या जरूरत आन पड़ गई, उससे पहले हम आपको बता दे कि रतन हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो कॉलेज के सेकेंड ईयर तक नॉर्मल लड़कियों की तरह रहा करती थी, जिनके काफी लंबे बाल थे। लेकिन कॉलेज के सेकेंड ईयर में जब इन्होंने स्पोर्ट ज्वाइन कर लिया और एनसीसी भी ज्वाइन कर ली, तो इन्होंने अपने बाल कटवा दिए और इसलिए इन्होंने अपने बाल कटवा लिए और लोगों के भी कॉम्प्लीमेंट आने लगे और रतन को भी ये लुक बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने सोचा
सोचा मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी और लड़कों की तरह ही कपड़े पहनेंगी, क्योंकि रतन को बॉयज का लाइफ स्टाइल काफी पसंद आया और जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं थी वो जैसा चाहे वैसा कर सकती थी और रतन को स्पोर्ट्स में भी काफी कम्फर्टेबल फील होने लगा और यही चीज यूनिक हो गई और शायद यही कारण था इनका सोशल मीडिया पे इतनी जल्दी वायरल होने का। हालांकि रतन ने अपना बाहरी लुक ही चेंज किया है, अंदर से वो भी एक लड़की है और जब लोग पूछते हैं कि वो लड़के से शादी करेंगी या फिर लड़की से, तो रतन कहती हैं कि वो एक लड़की है तो ऑब्वियसली वो एक नॉर्मल लड़की से ही शादी करेंगी, लेकिन फिलहाल अभी वो सिंगल है। इनके सोशल मीडिया फॉलोवर्स की बात की जाए तो इंस्टाग्राम पे आज इनके 1.6 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। वहीं यूट्यूब पे ये म्यूजिक वीडियो डालती हैं जिसमें ये गाने खुद लिखती हैं, गाती हैं और एक्ट भी करती हैं। इनके कई फेमस सॉन्ग भी हैं जैसे जयपुर यो, नशा टिकटॉक दा और भी कई सारे। रतन एक एंटरप्रेन्योर भी हैं जहाँ पे वो राजस्थान के ट्रेडिशनल कपड़े बेचती हैं, करणी फैशन, जहाँ पे लोगों को इनके कपड़े बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अगर आप भी इनके कपड़े देखना चाहते हैं तो आप इनके इंस्टाग्राम पेज करणी फैशन पे देख सकते हैं। और भले ही आज रतन के पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो रतन को देखकर काफी प्राउड फील कर रहे होंगे और रतन का भी यही सपना है कि उनके पापा चाहते थे कि वो बहुत आगे जाएं, तो वो इसे पूरा करके रहेंगी। चलिए रतन, आपके सारे सपने पूरे हो इसी बेस के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप रतन चौहान के बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपने वीडियो देख ली है यहाँ तक और नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो क्या कर रहे हो, जल्दी से कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब कोई मेरा बुरा सोचता है या बुरा करता है या बुरा करने वाला होता है तो पता नहीं क्यों पता तो पहले ही जल जाता है, लेकिन मेरे को बुरा नहीं लगता ना। मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों मैंने उसका क्या किया है जो मेरे साथ में बुरा करना चाहता है या चाहती है, जो भी है जो भी है। मुझे उस वक्त अच्छा लगता है, पता है क्यों? क्योंकि आज का टाइम, सच बता रही हूँ, आज का टाइम ऐसा है ना कि लोगों को अपने आप से टाइम नहीं है, दूसरों को तो क्या टाइम देंगे। इस मंदी के वक्त में वो लोग, मैं मेरी बात नहीं कर रही, चाहे आपकी लाइफ में भी हर किसी की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो बुरा चाहते हैं या बुरा करते हैं या फिर बुरी बातें करते हैं, तो उस वक्त ना परेशान होने की बजाय हमें खुश होना चाहिए कि मंदी का वक्त है, लोगों को अपने लिए टाइम नहीं है, वो ऐसे वक्त में हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं, हमारे बारे में सोचने का, हमारे बारे में, वो चाहे गलत करने के लिए हमारे बारे में सोच रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं। कोई तो बात है, कुछ तो बात, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मतलब ऐसी कोई बात है हमारे अंदर जो जिसके लिए वो हमारे बारे में सोच रहे हैं। सोचने दो, खुशी की बात है, दुखी होने की नहीं।